हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये एक राष्ट्रीय पर्व होता है, इसे सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। आज हम मैं ये दो कलर की ये डिज़ाइन लाई हूँ। ये बहुत ही फुल स्लीव स्वेटर में बहुत ही सुंदर लगती है। स्लीव्स पे भी डालो और बैक और फ्रंट पे भी डालिए तो बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए, ये मैंने पिंक पे भी डाल रखी है और ये पर्पल पे डाल रखी है। और इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले, ये मैंने 30 फंदे लिए हैं, 31 फंदे लिए हैं, आधे आधे करके बीच के सेंटर के फंदे से ही डिजाइन शुरू होती है। और ये स्लैंट, ये ऐसे देखिए से तिरछी तिरछी धारियां ऐसे शुरू होती हैं। बीच का पोर्शन ये ट्रायंगल बनता है, दो दो फंदों का बनता है और हर बार फंदे घटते बढ़ते रहते हैं, जिससे ये बीच के फंदे 3, फिर 5, फिर 7। दो सलाइयाँ मतलब दो राउंड ये 3 के हैं, दो राउंड 5 के हैं, दो राउंड 7 के हैं। फिर जब ये क्लोज होता है तो वहीं से ये दूसरा ट्रायंगल शुरू हो जाता है और ये दूसरी धारियाँ ऐसे शुरू हो जाती हैं। और बैक साइड में, राइट साइड में ये ऐसा दिखता है, बैक साइड में ये ऐसा दिखता है। बस इसमें दो कलर के कोई भी पैटर्न में, बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि धागे बहुत ही ऐसे देखिए खींचने नहीं चाहिए, ना बहुत ही लूज रखने चाहिए कि फंसे, और ना बहुत ही लूज। देखिए ये वाला जैसे, तो ये कपड़ों में फंसेगा तो ये खींचती है बुनाई, और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना चाहिए, नहीं ऐसे वो श्रिंक सी सिकुड़ सी जाती है। और ये ऐसे अच्छी लगती है। बैक साइड में जो कलर जैसा दिख रहा है हमें वैसा ही बुनना है। ये देखने से ज़्यादा आपको काउंट करके बुनना पड़ेगा, और शायद इससे इतना दिख रहा है कि काउंट हो जाएगा, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ बनाने की। सबसे पहले मैंने ये 31 फंदे डाले हैं और इसको दो सिलाई का मैंने बॉर्डर बुन लिया है। अब हमें सेकंड कलर लगाना है, और सेकंड कलर लगाने के लिए दो कलर, एक कलर से और दो कलर जो आपका सेकंड कलर हो उससे लगाना है। ऐसे सीधे सीधे बुनने हैं, दो क्रीम के और दो कलर ये आपके ब्राउन के, ये दो सीधे और दो ये। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आपको जो ट्रायंगल कलर लेना है, कि जो आपका बेस कलर है, कि आपको पिंक ज़्यादा दिखाना है तो आपको ये कलर ज़्यादा ले लीजिए। तो दो सीधा, दो क्रीम, दो ब्राउन, फिर दो क्रीम, दो क्रीम, फिर इसे इधर कर लिया, दो ब्राउन, ये आपको देखना पड़ेगा कि 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ तक आपको दो दो कलर का, कि दो क्रीम दो ब्राउन करना है, और सेंटर का एक फंदा जो आएगा आपको वो रखना है। ये देखिए, ये दो क्रीम दो ब्राउन, दो क्रीम दो ब्राउन, दो क्रीम दो ब्राउन, दो क्रीम, बीच का एक ब्राउन। और ये मैंने आपसे बोला था 31 फंदे, लेकिन इसमें सेटिंग ठीक नहीं बैठ रही थी, तो या तो फिर आप फंदे ज़्यादा करिए। तो ये 29 फंदों पे ही डिज़ाइन पैटर्न ये सही बैठ रहा था, इसलिए मैंने ये दो फंदे एक्स्ट्रा थे इसे हटा दिए। तो इधर जितने हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये 4 क्रीम के जोड़ा इधर है, तो 1, 2, 3, 4, 4 क्रीम का मतलब दोनों तरफ आप इक्वल इक्वल रखें। ये बड़ा पैटर्न था इसलिए मैंने उसके हिसाब से 31 फंदे डाल दिए थे, ये 29 फंदे हैं। उसके बाद आप रॉन्ग साइड में आएंगे, रॉन्ग साइड में जो कलर आपको जैसा दिख रहा है, जैसे जो क्रीम है क्रीम, जो ब्राउन है ब्राउन, और सेंटर वाला आपको ब्राउन ही रखना है। मतलब जो कलर जैसा है हमें वैसा ही बनाना है। ये देखिए, उल्टी सिलाई हम पूरी बिन के आ गए। यहाँ पे दो फंदे जो क्रीम थे, तो उसमें से एक फंदा क्रीम हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक फंदा ऐसे ऐसे धारी तिरछी जानी है। तो एक फंदा क्रीम, एक ब्राउन, तो दो ब्राउन मतलब लास्ट का एक क्रीम हो गया, फिर दो दो का ही बस इधर एक सेटिंग करनी होगी, बाकी फंदे तो दो दो के सेट अपने आप ही होते जाएंगे। फिर दो ब्राउन हो गए, फिर
दो क्रीम, फिर इधर से दबा देंगे, दो ब्राउन, दो क्रीम, दो ब्राउन, ये दो क्रीम। अब हमारा ये सो सेंटर वाला फंदा एक था तो हमने यहाँ पे एक कर दिया, तो इधर एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया, तो ये बीच के तीन ब्राउन हो जाएंगे। दो और ये तीन, फिर इधर इस वाली तरफ आप वैसे ही दो, यहाँ पे दो क्रीम है तीन से पहले, तो इधर भी दो क्रीम रखेंगे, दो ब्राउन, दो क्रीम, ऐसे बनाते जाएंगे। बहुत टाइट नहीं करेंगे, एक ऐसे जाएगा एक ऐसे, मतलब ऐसे वीशा बनेगा, ऐसे ही है, यहाँ तक ऐसे जाएंगे। लास्ट में इसमें एक क्रीम है तो इधर भी एक क्रीम बचेगा, और रॉन्ग साइड में जो कलर जैसे हैं वो कलर वैसे ही बुने जाएंगे। ये देखिए हम सीधी तरफ आ गए, ये ऐसा हो गया, ये आपको ऐसे दिख रहा होगा। बस हमें लाइनों की सेटिंग करते समय बस ये एक तो ग्राफ वाली डिजाइन बस ध्यान देना है, बस हमें ये बीच के तीन पांच और सात ध्यान रख रहे हैं, उसी हिसाब से अपने इधर इधर के फंदों की सेटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे एक क्रीम है और दो ब्राउन है, तो अब इसे लास्ट वाले दो ब्राउन कर लेंगे। दो ब्राउन कर लेंगे, ये क्रीम फंदा टाइट कर लेंगे, दो ब्राउन, दो क्रीम, दो ब्राउन, दो क्रीम। इसको इस तरह लेते जाएंगे, जो फंदा आ जाए उसको इस तरह इस हाथ की तरफ लेते जाएंगे, दो ब्राउन। ये बार बार घुमाने से ऊन में बल पड़ जाते हैं, तो इसे एक दो सिलाई के बाद सीधे कर लेने चाहिए, नहीं ऐंठे ऐंठे से ऊन फिर उसमें सिलाई, ये जो भी फलियां होती हैं वो टेढ़ी टेढ़ी सी हो। देखिए हम यहाँ तक आ गए, अब हमारा पहले तीन था, अब हमें यहाँ पे एक इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया, तो ये पांच हो जाएंगे। तो बीच के हमारे ये ट्राइंगल जो था वो पांच हो जाएगा, एक दो। ये क्रीम धागा भी अपने साथ हम उधर लेते जाएंगे, नहीं तो बाहर पीछे फंदे बहुत लंबे हो जाएंगे, जो कि पहनते समय हाथ में फंसते हैं या किसी चीज में फंसते हैं। दो तीन चार और एक इधर का पांच, ये एक तीन पांच। अब इधर का जैसे हम बना रहे थे दो क्रीम दो ब्राउन, जैसे हमने इधर बनाया था वैसे हम इधर बनाएंगे, और उल्टी तरफ में जो कलर जैसा दिखेगा हमें वैसा ही बनाना है। ये देखिए हम उल्टी तरफ बुन के, उल्टी तरफ ऐसे दिख रहा है, उल्टी तरफ बुन के हम सीधी तरफ आ गए। अब हमारा ये बीच का ट्रायंगल पांच हो गया, अब हम ये बीच का अब हमें ये सात करना है। तो फिर इधर का एक फंदा, हम दो फंदे ब्राउन है तो इसे एक क्रीम कर लेंगे, तो ये लाइन मिसमैच हो जाएगी, फिर वो एक फंदा करने से फिर वो स्लैंटिंग सी आ जाएगी। एक क्रीम कर लिया ये ब्राउन धागे को, फिर बाकी के दो, दो ब्राउन, दो क्रीम, दो ब्राउन, दो क्रीम, दो क्रीम, दो क्रीम, दो ब्राउन हो गए।
अब इधर के इधर के दोनों के फंदे ये 5 के 7 हो जाएंगे, तो बीच के 1 2 3 4 5 6 ये 7, ये बीच का ट्रायंगल 7 फंदे हो गए। अब इधर जैसे इधर बनाया था 2 क्रीम, तो ये ऐसी धारी जा रही है, लच गए हैं तो लंबा धागा हो गया, मैं बीच में भूल गई ले जाना साथ में। 2 2 ब्राउन 2 क्रीम 2 ब्राउन, ये 2 सॉरी 2 क्रीम और लास्ट का एक ये। दो क्रीम दो ब्राउन। जैसे इधर के थे ये इधर के भी ऐसे बन गए। अब लास्ट और उल्टी तरफ जो कलर जैसा दिख रहा है वो वैसा ही रहेगा। अब ये एक ट्रायंगल आपका हमारा पूरा हो गया। अब उसके बाद हमारा ये दूसरा ट्रायंगल शुरू हो जाएगा और इसी के साथ ही जब ये बीच का एक फंदा हो जाएगा तो उसी के साथ ही हमारी ये दूसरी धारियां शुरू हो जाएंगी। आप इसे बनाइए, ट्राई करिए। अगर पतली ऊन में दो कलर की डिजाइनें मोटी मोटी अच्छी लगती हैं, कॉम्बिनेशन को आप अपने हिसाब से लीजिए जो भी आपका मन हो। और अगर दिक्कत हो तो इसमें से भी आप ऐसे ना समझो तो इसमें काउंट करके भी आराम से बनाया जा सकता है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सजेशन हमें अवश्य दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।